वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का कोर पेपर है CC2। इससे पहले भी हम CC1, CC3, CC4 जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला पेपर है, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर है, इन तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं। ये जो आपका पेपर है, ये पेपर 6 यूनिट में डिवाइड है और 6 यूनिट के हमने यूनिट वाइज क्वेश्चन लिए हैं, किस यूनिट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उम्मीद है कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी, फर्स्ट यूनिट में एजुकेशन एंड नॉलेज ये यूनिट है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, शिक्षा से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द टाइप्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, इसके प्रकार और एम्स बताने हैं। जब आप मीनिंग लिखेंगे एजुकेशन का तो आपको पूरा प्रॉपर बताना है कि ये जो एजुकेशन है ये वर्ड कहाँ से आया, एडुकेटम और एडुसियर पूरा प्रॉपर वे में बताओगे इसके बारे में, और उसके बाद आप यहाँ पर पहुँचोगे। और आपको इसमें डेफिनेशन भी देनी होगी, कम से कम आपको 3 डेफिनेशन याद होने चाहिए। उन 3 डेफिनेशन को दोगे और उनको एक्सप्लेन भी करोगे उस डेफिनेशन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, ज्ञान क्या है, और व्हाट राइट ब्रीफली अबाउट द सोर्स ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज के सोर्स हैं उन सोर्सेज को भी आपको लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा क्या है, और इनके बीच में आप में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, एंड हाईलाइट देयर इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ, और मानवीय जीवन में इसका क्या महत्व है उस पर भी प्रकाश डालिए। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपकी यूनिट है एजुकेशन एंड फिलॉसफी, ये सेकेंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, थोड़ी सी लॉन्ग भी है ये, और इसमें से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड दर्शन, फिलॉसफी और दर्शन में क्या अंतर है ये बताना है। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ फिलॉसफी, क्लासिफिकेशन बताना है और प्रकार बताने हैं फिलॉसफी के। एजुकेशन इज़ ए डायनामिक आस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी, डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद लॉजिकली, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, ये जॉन डीवी ने कहा है। तो इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, बताना है कि एजुकेशन जो है दर्शन का गत्यात्मक पक्ष किस तरह से है, और इस तरह से भी आ सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इनको बताइए। तो क्वेश्चन जो है आपको लिखना उसी तरह से ही है, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और हमें किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ आइडलिज्म, आदर्शवाद के बारे में पूछा गया है, इसकी अजम्पशन, एम्स, टीचिंग मेथड और इवेल्युएशन प्रोसेस और एजुकेशन इम्प्लीकेशन पूरा बताना है। नेचुरलिज्म इज़ द फिलॉसफी ऑफ मेटाफिजिक्स एंड आइडलिज्म इज़ द फिलॉसफी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का दर्शन है और आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि प्रकृतिवाद जो है तत्व मीमांसा का दर्शन है और आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे बताना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। फॉर्मल नॉन फॉर्मल का जो यूनिट फर्स्ट का था वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सेकेंड यूनिट में आपको सारे इज्म पढ़ लेने हैं, इज्म में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। आपको प्रयोजनवाद है, प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है और मानववाद है, प्रयोजनवाद है, ये सब बात पढ़ लेने हैं। व्हाट इज़ रिलेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन, यहाँ पर प्रयोजनवाद के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय वेदांता फिलॉसफी, वेदांता फिलॉसफी क्या है, एक्सप्लेन द मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी ऑफ वेदांता फिलॉसफी, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। इससे सांख्य दर्शन है, आपको सांख्य दर्शन के बारे में पूछा गया है, ह्यूमनिज्म के बारे में पूछा गया है और रियलिज्म और एंड एजुकेशन इसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर जो आपकी ये सेकेंड यूनिट है ये लॉन्ग भी है बहुत, और इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको सारे इज्म पढ़ लेने हैं जिससे कि आप जो है अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। थर्ड यूनिट है आपकी एजुकेशन एंड सोसाइटी, एक्सप्लेन एजुकेशनल सोशोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र के बारे में पूछा गया है, शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशोलॉजी,
शिक्षा और समाजशास्त्र में क्या संबंध है, इसको बताने के लिए आपको सूटेबल एग्जांपल देने हैं, मतलब उदाहरणों का प्रयोग करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, समाजीकरण क्या है, उसके फैक्टर और उसकी एजेंसीज बतानी हैं। जो इसकी एजेंसी हैं, जैसे आपकी परिवार है, पास पड़ोस, समुदाय, ये सब हैं इसकी एजेंसी, ये बतानी है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल इट्स फैक्टर, इसके जो है फैक्टर्स, कारक जो हैं वो बताने हैं। ये इस तरह से भी आ सकता है आपका कि सामाजिक परिवर्तन में जो बाधक तत्व हैं, बाधक कारक हैं, वो कौन से हैं वो बताने हैं आपको। समाजीकरण क्या है, सोशल चेंज क्या होता है, और सोशल चेंज किस तरह से एजुकेशन के लिए सहायक है, ये सब पूछा जा सकता है। एजुकेशन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन इज़ अ पावरफुल टूल फॉर सोशल चेंज, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है, एक्सप्लेन करो इसको। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर मतलब सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा गया है यहाँ पर। डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन न्यू सोशल ऑर्डर, नई सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको ये इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशनशिप बताना है। फोर्थ यूनिट है एजुकेशनल थॉट्स, जो जैसे हमने बताया था कि आपकी जो सेकंड यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसमें से बहुत उम्मीद है क्वेश्चन आने की, उसी तरह से जो फोर्थ यूनिट है, ये फोर्थ यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये भी लॉन्ग यूनिट है। इसमें जो थिंकर्स दिए हैं, उसमें आपके इज्म दिए हुए थे, इसमें थिंकर्स हैं, तो थिंकर्स भी आपको सारे पढ़ लेने हैं। टैगोर वॉज द ग्रेटेस्ट प्रोफेट ऑफ एजुकेशनल रिवाइवल इन मॉडर्न इंडिया, यहाँ पर टैगोर के विषय में पूछा गया है, तो आपको ये इसके बारे में बताना है। टैगोर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द व्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के व्यूज़ बताने हैं। ऑब्जेक्टिव करिकुलम टीचिंग मेथड ऑफ एजुकेशन, ये इसके बारे में बताना है। उसके बाद है आपका गांधी जी एजुकेशनल थिंकिंग इज नेचुरलिस्टिक इन प्लानिंग, गांधी जी की जो शिक्षा है, गांधी जी का शैक्षिक चिंतन अपनी योजना में प्रकृतिवादी और उद्देश्यों में आदर्शवादी, अपनी कार्य पद्धति में प्रयोजनवादी है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। गांधी जी एजुकेशनल थिंकिंग इज नेचुरलिस्टिक इन प्लानिंग, आइडलिस्टिंग इन ऑब्जेक्टिव एंड प्रैग्मेटिज्म इन वर्किंग मेथड। तो यहाँ पर आपको इनके जो जो व्यूज़ इन्होंने नेचुरलिज्म के लिए जो इनका व्यू है वो बताना है, और आइडलिज्म के लिए इनका जो व्यू है, प्रैग्मेटिज्म के लिए इनका जो व्यू है वो बताना है। वो जो गांधी जी का क्वेश्चन है वो बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। अरविंदो वॉज अ फिलोसोफर एज वेल एज एन एजुकेशनिस्ट, जो अरविंदो हैं उनके लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि श्री अरविंदो दार्शनिक के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे, तो इसको एक्सप्लेन करिए कि किस तरह से ये इनका दर्शन भी बताना है, और इनके समाजशास्त्रीय विचार भी बताने हैं, और ये एजुकेशनिस्ट किस तरह से थे ये भी बताना है। और ये इस तरह से ये चारों क्वेश्चन हैं, ये चारों क्वेश्चन बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे आपका टैगोर वाला एक क्वेश्चन था, टैगोर वाज ग्रेटेस्ट, टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे, इस कथन की विवेचना कीजिए। इसमें आपको टैगोर का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन से को लेकर के, वो पूरा पूरा लिखना है यहाँ पर। और इस तरह से पूछ सकते हैं कि उनके एजुकेशनल थॉट्स क्या हैं, फिलोसफिकल थॉट्स क्या हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द टीचिंग मेथड करिकुलम ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन गिवन बाय प्लेटो। प्लेटो ने जो अपना एजुकेशन के बारे में बताया, टीचिंग मेथड क्या है, उनके करिकुलम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बताना है। गिव इवेल्युएशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड आइडियाज ऑफ रूसो एज एजुकेशनल थिंकर्स, यहाँ पर रूसो का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और रूसो के साथ साथ मॉन्टेसरी का भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। यहाँ पर आपको रूसो के विचार बताने हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बताना है, और इवेल्युएशन करना है उसका। डिस्क्राइब मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम, जो किंडरगार्टन पद्धति है उसकी मेरिट और डिमेरिट्स बतानी हैं। एंड राइट दैट हाउ शुड बी इट यूज इन प्रेजेंट सिनेरियो इन इंडिया, और इसको हम प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे प्रयोग किया जा सकता है वो बताना है। व्हाट इम्पैक्ट डिड द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ जॉन डीवी हैव ऑन टूडेज एजुकेशन,
जॉन डीवी की जो शिक्षा है वो आज के संदर्भ में कहाँ तक सही है, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये बताना है आपको। यहाँ पर जो जॉन डीवी के विचार हैं वो बताने हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इवेलुएट जॉन डीवी, और यानी कि जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों का आज की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है वो बताना है, और इस प्रभाव की दृष्टि से जॉन डीवी का मूल्यांकन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफिकल एंड एजुकेशनल थॉट ऑफ फ्रॉबल एंड डॉक्टर मौर्य मॉन्टेसरी। यहाँ पर मौर्य मॉन्टेसरी और फ्रॉबल के फिलोसफिकल और एजुकेशनल थॉट्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ यूनिट, एजुकेशन एंड वैल्यूज़। हाउ शुड द स्कूल प्रोवाइड वैल्यू एजुकेशन, स्कूल को वैल्यू एजुकेशन या मूल्य शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए। क्लैरिफाई द रोल ऑफ फैमिली इन वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा को देने में परिवार का क्या योगदान है वो बताना है। व्हाट आर द एजेंसी ऑफ वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन की एजेंसी यानी कि अभिकरण कौन कौन से हैं, वही होगा आपका फैमिली और कम्युनिटी, स्कूल, पास पड़ोस, ये सब होंगे। व्हाट इज़ द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो में वैल्यू एजुकेशन की क्या आवश्यकता है उस संदर्भ में लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और नीति निर्देशक तत्व क्या हैं वो बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा के बारे में पूछा गया है, और व्हाट इज़ द नीड ऑफ पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा की क्या आवश्यकता है। हाउ डू यू थिंक इट शुड बी अरेंज, और आपको क्या लगता है कि किस तरह से अरेंज की जानी चाहिए। अब आपकी नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है ये, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, भावात्मक और राष्ट्रीय एकता, भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में कौन कौन से बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों को बताइए। व्हाट डू मीन्स ऑफ डेवलपिंग इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो है आपका केवल इमोशनल इंटीग्रेटेड एजुकेशन से भी पूछा जा सकता है, और फिर केवल नेशनल इंटीग्रेटेड से भी पूछा जा सकता है कि एक भावात्मक एकता क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं, और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता या राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन से हैं, राष्ट्रीय एकता क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को आपको, एक क्वेश्चन आपका तोड़ के भी आ सकता है कि इमोशनल पूछ लिया जाए या फिर नेशनल पूछ लिया जाए। तो आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और राष्ट्रीय एकता के विकास करने के लिए जो भी सुझाव हैं वो सुझाव भी आपको पता होने चाहिए। व्हाट डू मीन बाय इमोशनल नेशनल इंटीग्रेशन, इन दोनों का अर्थ क्या है। एक्सप्लेन बिटवीन नैरो नेशनैलिटी एंड लिबरल नेशनैलिटी, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संकीर्ण राष्ट्रीयता और उदार राष्ट्रीयता में अंतर क्या है, उस अंतर को बताइए, और साथ साथ में उसके गुण और दोष भी लिखिए। व्हाट आर द एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, भावात्मक और राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए कौन कौन से शैक्षिक प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके फर्स्ट टू सिक्स यूनिट तक के सारे क्वेश्चन थे। आज आपके पूरे चारों कोर पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ ही ये सेशन ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।